हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शीतल नेहरा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो है वो है नेल एक्सटेंशंस के लिए जो मैंने कल ही कराए हैं। और पहले कल जब मैं करा के आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, बट अब धीरे धीरे मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ क्या स्टोरी है इसकी जो मैंने ये वाले नेल्स का कलर कराया, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर वो ट्विस्ट आपको जानना है कि मैंने ये कलर क्यों कराया, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि मैंने जो ये कराया ये सही कराया या गलत कराया। तो देखते रहिए मेरे साथ। तो स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका होता है, सबसे पहले नेल एक्सटेंशंस के लिए हमें वो हमारे नेल्स को क्लीन करते हैं, हमारी जो एक्स्ट्रा स्किन डेड स्किन होती है उसे रिमूव करते हैं, अच्छे से सारे नेल्स को फाइल कर देते हैं ताकि कट करके उन्हें फाइल करते हैं ताकि वो शॉर्ट हो जाएं, क्योंकि हमें ऊपर से अलग से नेल्स लगाने ही होते हैं उसमें। तो ये सबसे फर्स्ट इसका स्टेप है, नेल्स को फाइल करना, एक्स्ट्रा डेड स्किन को निकालना, अच्छे से फाइल कर देते हैं। तो हम दोनों का साथ साथ नेल एक्सटेंशन चल रहा है, यहाँ पर राशि का भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों का सेम प्रोसीजर है, साथ साथ दोनों का चल रहा है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, वो नेल्स को थिनर से अच्छे से क्लीन करते हैं, कुछ भी अगर उसके ऊपर लगा हो तो वो अच्छे से क्लीन कर देते हैं थिनर से। और उसके बाद ये बारी आती है नेल्स लगाने की, तो वो हमारे साइज़ के नेल चूज़ करते हैं जो हमारे नेल्स के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर राशि अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी और जो भी वो बहुत सारे उनके पास साइज़ होते हैं, तो वो हमारे नेल्स पे लगा कर देखते हैं जो हमें हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमें फिट बैठता है, उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें हमारे नेल्स पर फिक्स करते हैं। तो ये मेरे नेल्स जो लगने थे वो मेरे लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। और अब आप ये देखेंगे, ये उन्होंने फिक्स करते जा रहे हैं धीरे धीरे उनको कट करके। वैसे तो ये बहुत बड़े हैं, अभी ये फिक्स होने के बाद भी मैंने काफ़ी शॉर्ट कराने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैं रखती नहीं हूँ, मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये एक उनके पास फेविक्विक जैसा कुछ होता है, उससे ये उन्हें उसमें फिक्स कर देते हैं हमारे नेल्स के साथ। और जो भी नेल एक्सटेंशन आप कराते हैं तो मैं यही बोलूँगी, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा लेंथ ना रखें क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं भी रहता है। और धीरे धीरे जब हमारे नेल्स ग्रो करते हैं तो वो जो उसकी जो लेंथ होती है वो आगे बढ़ती जाती है, तो वो खुद ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेंथ ना करा के आप छोटे ही रखाएंगे तो काफ़ी टाइम चल भी जाएंगे और आपको ईजी भी रहेंगे मेंटेन करने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं मेरे नेल्स सारे लग चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हैं अभी, और वो साथ के साथ उन्हें फाइल करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको कट करा के उनको थोड़ा छोटा, वो हमें देखिए अभी तो बहुत बड़े हैं ये, इसको उन्होंने बोला कि ये, मैंने बोला नहीं मुझे और छोटा चाहिए, इतना बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने और छोटे कराए हैं। अभी इसकी फिर शेप देंगे तो थोड़ा सा और साइज़ छोटा होगा अभी इनका। जितना हम छोटा रखेंगे हमें मेंटेन करने में वो उतना इजी रहेगा। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़े से हों बट इतने नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मुझे नहीं अच्छे लगते नेल्स। तो अब उन्होंने नेल्स को शेप देना भी स्टार्ट कर दिया है,
मैंने इसको राउंड शेप में रखा है, मुझे स्क्वायर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। राशि ने स्क्वायर रखा था, उस सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर मुझे स्क्वायर नहीं पसंद है, मुझे राउंड शेप ही अच्छी लगती है। और मैंने इनको राउंड में कराया है, अब ये शेप पूरी साइज़ और शेप मेरे हिसाब से है ये वाला। उसके बाद बारी आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके नेल्स के ऊपर, दो तरह के नेल्स होते हैं, जेल नेल्स और एक्रेलिक। तो हमने कराए हैं एक्रेलिक, पहले हम सोचे थे हम जेल कराएं, तो उन्होंने बोला नहीं एक्रेलिक ज़्यादा अच्छा होता है, वो आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जेल वाला इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो ऊपर से एक चीज़ लगाते हैं, एक पाउडर में लगा के, वो उसे एक्रेलिक नेल्स बोलते हैं वो, और वो ऊपर से उसको फिक्स कर देते हैं हमारे नेल्स के ऊपर। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे लगेगा वो। और जैसे हम अपने मेकअप से पहले अपने फेस पे प्राइमर लगाते हैं, ये भी नेल पेंट का ही प्राइमर है, नेल्स को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि हम जो भी चीज़ उस पर अप्लाई करें वो स्मूथली लग जाए। ये देख सकते हैं आप, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं एक बॉक्स में पाउडर है, एक में लिक्विड है, उसको उस डिप करके उसके साथ मिक्स करके लगा रहे हैं, वो है एक्रेलिक, वो एक जेल बन रहा है, और उसे वो नेल्स पे फिक्स कर रहे हैं, जिससे हमारे नेल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारे नेल्स थोड़े मोटे हो जाएंगे, ताकि हमारे जो किसी के ओरिजिनल नेल्स थोड़े वीक होते हैं, किसी के स्ट्रांग होते हैं, बट इससे हमारे नेल्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रांग रहेंगे हमारे नेल्स। और बहुत अच्छे से वो उन्हें फिक्स करके वो लगा देते हैं। और ये सेम प्रोसीजर दूसरे हैंड पर भी सेम ही प्रोसीजर है। और अब बारी आती है नेल पेंट की। सबसे पहले ये हमें बेस कोट लगाते हैं, नॉर्मली हम भी घर पे नेल पेंट लगाते हैं तो बेस कोट लगाते हैं। तो जो कलर मैंने चूज़ किया था वो था एक ब्लैक एंड पिंक का ओम्ब्रे शेड था। मैं इनको पिक दिखाई, इन्होंने बोला हाँ जी वो लग जाएगा इजीली, तो बहुत ही प्यारा कलर था, डार्क कलर था। मैंने सोचा इससे पहले मैं लाइट शेड लगवा चुकी हूँ, तो इस बार मैं कुछ डार्क में ट्राई करती हूँ। तो वो मैंने जो इनके साथ पिक शेयर की, इन्होंने बोला हाँ वो इजीली लग जाएगा और हम आपको लगा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा जो शेड था, जो कौन सा डिज़ाइन था वो मैंने सेलेक्ट किया था। ये था वो डिज़ाइन जो मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे लगाना था ओम्ब्रे में पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और तब उन्होंने मेरा नेल पेंट लगाना स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वो पहले सारे नेल पर ब्लैक क्यों लगा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, बट मुझे लगा ठीक है वो ज़्यादा टेक्निकली उन्हें पता होगा। मैंने उन्हें पूछा, वो कह रहे नहीं नहीं हो जाएगा, हम स्पंज से करेंगे वो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, आपको ज़्यादा पता है आप कीजिए अपने हिसाब से। और अभी उन्होंने पूरे नेल पर ब्लैक नेल पेंट लगा दिया।
तो आपने देखा उन्होंने डार्क पिंक कलर लगाया जो ब्लैक के ऊपर लगते एकदम रेड हो गया था, और ये बिल्कुल रेड हो गया पिंक कलर ब्लैक के ऊपर लगते ही। फिर उन्होंने उसको स्पंज से डैप डैप करके किया, ब्रश से किया पहले और फिर उसके बाद स्पंज से किया। तो मुझे यहीं पे ही पता चल गया था कि ये वाली नेल पेंट ख़राब हो चुकी है। मैंने उनको बोला बट वो बोले नहीं 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 ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप करिए, अभी तक मैं देख ही रही थी उन्हें क्या कर रहे हैं वो। और फिर उन्होंने स्पंज उसके ऊपर से किया, और ये वो शेड था ही नहीं जो मैंने चूज़ किया था, तो ये बिल्कुल ही अलग लग रहा था। उसके बाद उन्होंने एक दो कोटिंग और करी पिंक की, वो बोल रहे थे पिंक पिंक हो जाएगा, बट वो ब्लैक एंड मैरून अजीब सा शेड ही हो गया था। तो इस टाइम पे जो मैंने कलर चूज़ किया था वो नहीं हो पाया, तो मुझे थोड़ा बुरा तो बहुत लग रहा था कि जो मैंने चूज़ किया वो नहीं हुआ। तो फिर कोई नहीं, बट क्या कर सकते थे, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम और कुछ ऑप्शन देखें। तो मैंने एक सिंपल सा एक चूज़ किया डिज़ाइन, मैंने कहा आप इसे लगा दीजिए। तो उनको पता था कि मिस्टेक उनकी थी, तो फिर उन्होंने पहला वाला सारा कलर जो है उसे रिमूव किया और फिर दूसरा वो ब्लैक कलर अप्लाई किया। और क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि अभी फिर से पूरा डिज़ाइन कुछ और कलर सोचें डिज़ाइन सोचें, तो जो सबसे इजी मुझे दिखा मैंने वो करा लिया। बट हाँ उस टाइम मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो सोच के गए थे वो नहीं हुआ, बट अब ये लगने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम सोबर सा एली मतलब कलर लग रहा था ये। इसके ऊपर डिज़ाइन भी उन्होंने बहुत प्यारा सा बना दिया था ये, तो ये मुझे अच्छा लगा था। उस टाइम थोड़ी सैड हो गई थी मैं कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, और राशि के भी बहुत प्यारे लग रहे थे पर्पल कलर में नेल्स। तो ये थी मेरे नेल्स की पूरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, मैंने कैसे कैसे क्या सोच के गई थी और क्या हो गया। तो बट कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस है, चलता रहता है, छोटी सी चीज़ है, नेल पेंट है, इसे कभी भी चेंज करा सकते हैं। नाउ आई एम हैप्पी विद माई नेल्स। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मेरा डिसीजन था लास्ट मोमेंट पे ये सब कराने का वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। तो बट जो भी है, नेल पेंट का कलर बहुत ही अच्छा है, एकदम यूनिक है एंड आई लव इट। और इट्स जस्ट अ नेल पेंट, जब चाहे इसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कोटिंग भी कर सकते हैं कोई भी अपने पसंद से, तो नॉट अ बिग डील। मेन होता है नेल्स का, नेल्स लग चुके हैं, नेल पेंट जब मर्जी चाहे चेंज हो सकती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।